डिस्कस करेंगे टॉपिक 9.5 इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। इसका मतलब है इस टॉपिक से हमें क्या पता चल रहा है कि इंटरफेरेंस के पैटर्न को हमने स्टडी करना है फिर से, लेकिन इस दफा हमने थिन फिल्म्स की बात करनी है। थिन फिल्म्स हम किस तरह की ले सकते हैं, जिस तरह ऑयल की एक पतली सी लेयर। अगर आप अक्सर देखते हो कि पानी के ऊपर ऑयल की बारीक सी लेयर मौजूद हो तो डिफरेंट कलर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, और ये अक्सर रोड्स पर हमें नजर आते हैं क्योंकि गाड़ियां जब चल रही होती हैं उनका ऑयल अगर लीक कर जाए, वहां पे पानी मौजूद हो तो उस रोड पर हमें इस तरह के डिफरेंट कलर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है। यही चीज अब हमने स्टडी करनी है कि ये जो थिन फिल्म बन जाती है उसमें किस तरह से इंटरफेरेंस हो सकता है। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरेंस है क्या। इंटरफेरेंस क्या होती है? बेसिकली ओवरलैपिंग होती है, मिलना होता है वेव्स का। अब हम अगर सिंपली डिस्कस करना चाहें तो दो वेव्स को कंसीडर करते हैं। एक ही मीडियम में दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं इस तरह से। अगर ये ओवरलैप करें और ऐसा हो कि इनका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस, इनकी ओवरलैपिंग की वजह से ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, यानी कि दोनों ओवरलैप करने पर ये कुछ इस तरह की वेव नजर आए, तो इट मींस ओवरलैपिंग तो हुई लेकिन क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड मजीद बढ़ गया, तो हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी तरह से अगर ये वेव्स ट्रेवल कर रही हो लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन के साथ, तो अब इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो किस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से। इसी तरह से अब हो क्या रहा है कि मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव हाफ भी एम्पलीट्यूड आ रहा है, नेगेटिव भी उतना ही एम्पलीट्यूड आ रहा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा। तो इस सूरत में जो इंटरफेरेंस का नाम दिया जाता है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी चीज को अब हमने इस थिन फिल्म के अंदर डिस्कस करना है कि थिन फिल्म में क्या ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव होता है तो क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरह से हमें कलर्स नजर आते हैं, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो उस टाइम पर क्या कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर अब हम कंसिडर कर रहे हैं वॉटर को, पानी हमने कंसीडर किया हुआ है, जो थिन लेयर कंसीडर किया है वो एक ऑयल की है। ये इतनी थिन लेयर होती है कि कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी ही होगी जितनी वेवलेंथ है लाइट की। अब होगा क्या कि लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है, जब लाइट फॉल करेगी तो हमने ये स्टडी किया हुआ है कि लाइट अगर डिफरेंट मीडियम है तो उन पर टकराने के बाद कोई ना कोई फिनोमेना शो करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट भी हो जाती है या उसके अंदर से पास आउट भी कर जाती है। तो पहली बाउंड्री हमारे पास इस ऑयल की आ गई यहाँ पर, और क्या हुआ कि लाइट रे जब इसे टकराई तो टकराने के बाद थोड़ी सी बेंड हो गई, लेकिन उस ऑयल के अंदर से लाइट पास भी तो हो सकती है, तो थोड़ा सा पोर्शन उसका पास भी हो जाएगा, यानी कि वो इस पानी की तरफ एंटर हो जाएगी। जब वो पानी की तरफ गई, अब पानी का भी तो अपना एक मीडियम है, पानी एक अलग प्रॉपर्टी रखता है, तो जब इस बाउंड्री से टकराई यानी कि पानी की बाउंड्री से, फिर अगेन क्या हुआ कि ये कुछ इसका पोर्शन वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ दोबारा से थोड़ा सा ट्रेवल कर जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि वेव पानी के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने फिनोमेना देखे वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि हमारी एक ए रे जो है वो आके टकराई बी पॉइंट पर, इसका हाफ पोर्शन जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया वापस से सी पॉइंट पर, लेकिन कुछ जो है वो डी पॉइंट पर आके टकराया है, कुछ पास आउट हो गया है। एंड वहां जब डी पे टकराया तो डी पे भी एक अलग से बाउंड्री मौजूद थी जिसने इसको कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी कर दिया, बाकी के फिनोमेना को हम डिस्कस नहीं कर रहे। इससे क्या पता चला कि अगर आप एक सिर्फ व्हाइट लाइट को लेते हो, और ये व्हाइट लाइट ही तो थी जिस तरह अब सूरज की रोशनी आ रही है सिर्फ एक कलर की, लेकिन जैसे वो ऑयल पे पड़ी या किसी सोप के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है कि हमें डिफरेंट कलर्स नजर आना शुरू हो जाते। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये जो लाइट है ये डिफरेंट वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है। आपने सुना होगा कि जो व्हाइट लाइट है वो सात रंगों का कॉम्बिनेशन है। अब वो तीन पर भी आ चुका है कि तीन रंगों से भी आप व्हाइट लाइट को बना सकते हो, लेकिन जो अभी तक मेजोरिटी को पता है और जो मेजोरिटी कंसीडर करती है वो यही कि सात रंगों से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है। अब अगर वो सात रंग मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि कहीं पर टकराने के बाद जब अब हम कह रहे हैं कि लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वहां पर वेवलेंथ सेपरेट होना शुरू हो जाती है। जब वेवलेंथ सेपरेट होती हैं तो अब जिस तरह ब्लू ग्रीन रेड येलो हर किसी की अपनी अपनी वेवलेंथ है, और उन सबको जब मिलाया था तब हमारे पास व्हाइट लाइट बनी थी, लेकिन जब ये टकराने के बाद कुछ पोर्शन वापस हो गया, इट मीन्स कि कोई ना कोई वेवलेंथ में चेंज आया, और वो वेवलेंथ हम कहते हैं लाइक सपोज ब्लू से मैच कर गई।
तो हमें यहाँ पर ब्लू कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अब ये अंदर की तरफ ट्रेवल की, ट्रेवल करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसकी वेवलेंथ में अगर चेंज आ गया तो इस टाइम पर हमें दूसरा कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज हम कह लेते हैं कि इस टाइम हमें येलो नजर आ रही है, ग्रीन नजर आ रहा है। तो जो वेवलेंथ सेपरेट होती है वो इसी तरह से होती है कि चूंकि हमारे पास डिफरेंट बाउंड्रीज मौजूद है, डिफरेंट बाउंड्रीज पर टकराने के बाद वेव रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाती है और कुछ ट्रांसमिट भी हो जाती है, उसके अंदर से मीडियम भी से पास भी कर जाती है। तो हर पॉइंट पर जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उस तरह से हमारे पास एक व्हाइट लाइट से ही बाकी तमाम कलर हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा या नहीं होगा, क्या हमें इस टाइम पर जब लाइट रेज डिफरेंट तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो गई और अब ट्रांसमिट होने के बाद भी ये हमें एक और रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस लाइट से ज्यादा हमें यहाँ पर लाइट नजर आना शुरू हो जाए? ऐसा भी पॉसिबल है अगर हम एक सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की बात करें। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे व्हाइट लाइट की, व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन है बाकी तमाम कलर्स का। अब अगर हम सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ को कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट जो है वो आके टकराई, अगर वो सिंगल वेवलेंथ की टकराएगी तो उसकी वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सेम रहेगी। यहां पर क्या हुआ कि जब वो टकराने के बाद वापस गई तो यहां पर कोई ना कोई हमें रे नजर आ रही है। इसी तरह से दूसरी बाउंड्री के साथ टकरा के वापस गई, कोई ना कोई रे नजर आ रही है। और सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया कि ये थिकनेस इतनी कम है कि बिल्कुल कंपेरेबल टू लाइट है, जितनी लाइट की वेवलेंथ है उसी के कंपेरिजन में हमारे पास ये थिकनेस है। जब इतनी कम है और ये मिलने के बाद, ये टकराने के बाद अलग अलग होके ट्रेवल कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है कि ये दोनों वेव्स ट्रेवल करती हुई आपस में मीट करती हैं और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर देती हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि हमें यहाँ पर रोशनी ज्यादा नजर आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन जब हमने उसको फॉल करवाया था। इसी तरह से अगर यहाँ पर किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक तो पहली चीज ये है कि थिकनेस कितनी है। अभी हमने थिकनेस की बात की कि थिकनेस अगर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है तो क्या होगा कि यहाँ पर ये वेव आपस में ओवरलैप कर सकती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। लेकिन इसका मतलब है कि अगर इस वेवलेंथ को किसी तरह चेंज कर दिया जाए, यानी कि इस थिकनेस को चेंज कर दिया जाए, बेसिकली थिकनेस को हम चेंज करें, तो थिकनेस के चेंज करने से हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आ सकता है। इसी तरह से अगर ये जो एंगल जिसके ऊपर इसको फॉल करवाया जा रहा है लाइट को, अगर ये भी चेंज कर दें तब भी कंडीशन चेंज हो सकती है, तब भी इंटरफेरेंस चेंज हो सकता है। इट मींस दो बातों पे हमारी पूरी जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है वो डिपेंड कर रहा है थिन फिल्म्स के लिए। एक ये कि उसकी थिकनेस कितनी है, सो थिकनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन दूसरी चीज ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर इन दोनों को चेंज करेंगे तो इन दोनों के चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है कि इंटरफेरेंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो ऑब्वियसली हमें क्या नजर आएगा कि ये यहाँ पर ज्यादा ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, ज्यादा रोशनी नजर आएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर कम रोशनी नजर आ रही है या बिल्कुल मध्यम हो चुकी है तो क्या होगा कि उसका मतलब है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इस टाइम पर जो सरफेस ली हुई है वो बड़ी स्मूथ सी नजर आ रही है, लेकिन अगर यही कोई रफ सरफेस हो, और रफ सरफेस किस तरह से कि बिल्कुल इस तरह से पानी था और उसी के ऊपर ये ऑयल की सरफेस भी इस तरह से, अब इसकी वजह से क्या होगा कि लाइट आई और ट्रेवल की, फिर उसके अंदर पार्ट डिफरेंस का भी चेंज आ रहा है, उसके हर एक एक चीज में इस इरेगुलर शेप की वजह से चेंज आना शुरू हो गया। और वो चेंज क्या करेगा, वो चेंज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि अब आपको किस किस तरह का पैटर्न जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जितनी बार लाइट टकराए तो ओवरलैपिंग की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आ जाए, लेकिन उसी टाइम पर यूं भी हो सकता है कि जो लाइट ट्रेवल करती आ रही थी अब वो यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और वहां पर बिल्कुल डार्कनेस नजर आना शुरू होगी। तो एक ही पैटर्न के अंदर जब इरेगुलर शेप को ले रहे हो, लाइट टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है और कुछ पॉइंट्स पर वो इंटरफेरेंस करती है कंस्ट्रक्टिव,
जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस हो जाती है और उसी दौरान वो कुछ पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होती है जिसकी वजह से वहां पर बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है। तो इस वजह से हम जो ऑयल अगर लेयर पड़ी हो पानी के सरफेस के ऊपर तो हमें कलर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, हमें पैटर्न्स नजर आना शुरू हो जाते हैं और किसी पॉइंट पर वो बहुत डार्क हो जाते हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे होते। तो उसकी वजह क्या होती है कि उनकी जो लाइट रेस की रिफ्लेक्शन के बाद इंटरफेरेंस हुई वो कंस्ट्रक्टिव भी थी और कुछ पॉइंट पर वो डिस्ट्रक्टिव भी थी। तो इस पूरे टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया कि थिकनेस और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, और सेकेंडली कि अगर इरेगुलर शेप्स को कंसीडर किया जाए, इरेगुलर थिन फिल्म्स को कंसीडर किया जाए तो उसकी वजह से भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंजेस आ सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को अब हमने डिस्कस कर लिया, इसमें तीन मेन पॉइंट्स को याद रखना है क्योंकि ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।